हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे रोटी के सैंडविच। तो आपने ब्रेड के सैंडविच तो बहुत खाए होंगे, एक बार इस तरह से रोटी के सैंडविच बनाकर देखें। टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी हैं, क्योंकि ये रोटी से बने हुए हैं और घर पर रखे सामान से ही आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रोटी के सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए रोटी, चाहे तो आप पराठा भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, और इसी के साथ चाहिए बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा पनीर, और 1 बड़ी चम्मच लेंगे टोमेटो सॉस, 1 चम्मच चाहिए ग्रीन चिली सॉस, कुछ चाहिए हमें मसाले, जैसे 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काला नमक और सादा नमक स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग बनाएंगे। तो ये जो हमने उबले हुए आलू लिए हैं, सबसे पहले इन्हें हम मैश कर लेंगे। यदि आप आलू नहीं खाते हैं तो अपने मनपसंद की स्टफिंग इसमें कोई भी भर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से आलू को आप मैश कर लें। फिर इसमें ऐड कर देंगे नमक, चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा ही ऐड करेंगे काला नमक, जिससे कि इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा प्याज हम बचा लेंगे जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे, कटा हुआ 1 टमाटर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमने लिया है पनीर, हरी मिर्च और हरा धनिया। तो हरी मिर्च और हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे, पनीर हम बाद में ऐड करेंगे। तो सभी चीज़ें हमने आलू में ऐड कर दी हैं, अब हम अच्छे से मिलाएंगे। तो सारी चीज़ों को आप हाथों से मिला लें, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और बिल्कुल इस तरह से आलू का चटपटा सा मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम रोटी के सैंडविच बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ली है रोटी, तो यहाँ हमने ताज़ी रोटी का यूज़ किया है। आप चाहे तो बची हुई रोटी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक रोटी पर हम सॉस लगाएंगे, टोमेटो सॉस। तो सॉस लगाने से सैंडविच का टेस्ट और भी बढ़ेगा। इस तरह चारों तरफ रोटी पर अच्छे से लगा दें। और फिर जो हमने चटपटा सा आलू का मसाला बनाकर तैयार किया है, रोटी पर रखेंगे और चारों तरफ अच्छे से रोटी पर फैला देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। तो इस तरह आप पनीर को कद्दूकस करके डाल दें। पनीर की जगह पर आप चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बिना पनीर के भी बना सकते हैं। अब एक दूसरी रोटी पर हम लगाएंगे चिली सॉस, इस तरह अच्छे से फैलाते हुए। और ऊपर से इस तरह रख देंगे और दबाते हुए चिपका देंगे। तो बिल्कुल जिस तरह से हम ब्रेड के सैंडविच बनाते हैं, उसी तरह से हमें इन्हें बनाना है। तो इसी तरह हम एक और बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 रोटी के 2 सैंडविच बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें सेक लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तवे को गर्म होने रख दिया था, तवा गर्म है। तवे पर डालेंगे थोड़ा सा घी और फिर जो हमने रोटी का सैंडविच बनाया है तवे पर रखेंगे, ऊपर से घी लगाएंगे और नीचे से सिकने देंगे। जैसे ही नीचे से सिकेगा पलट देंगे, दूसरी साइड से भी घी या बटर जो भी आप लगाना चाहे लगा दें। गैस का फ्लेम लो कर दें और बस अच्छे से क्रिस्पी होने तक आप इसे सेकें। जितना ज़्यादा ये क्रिस्पी होगा खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसी तरह दूसरा भी बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने दोनों ही रोटी के सैंडविच बना लिए हैं। आप देख सकते हैं कलर इनका बहुत ही अच्छे से आया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। इन्हें आप इस तरह दो पीसेस में कट कर लें। या फिर आप इन्हें इस तरह चार पीसेस में कट करके सर्व करें, खाने में इजी रहेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।